सुनो, चाय बहुत अच्छी है। मैंने नहीं बनाई, मानो ने बनाई है। हाँ, कभी कभी आई वाज लाइक कि तुम्हारे हाथ का टेस्ट का मुझे आइडिया है, ये जरूर बानो ने बनाई होगी क्योंकि तुम तो उससे बहुत बेहतर चाय बनाती हो। अच्छा लिसन, हाँ तुमसे कुछ कहना है मुझे। बोलो। मैं तुम्हारी तरह इग्नोर करके सोने वाले लोगों में से नहीं हूं। आई एम सॉरी। देखो आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है, आज तुम नाराज होगी ना तो ऑफिस में सारा दिन मेरा बहुत बुरा गुजरेगा। और मैं डैड से तुम्हारी जॉब के लिए बात करूंगा, लेकिन भी नाराज तो ना होना। मैं बिला वजह नाराज नहीं होती हूं मेहर। मैं इस घर में शादी करके तुम्हारी वजह से आई हूँ, तुम्हें देख के आई हूँ। अगर तुम रोज एक नई बात लेकर आओगे, रोज बदलोगे, तो क्या मेरा नाराज होने का हक भी नहीं है? आई नो हक है तुम्हें, लेकिन तुम नाराज होती ना मुझसे तो मुझसे कुछ हैंडल नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। देखो आई नो मैंने शादी से पहले तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम जॉब कर सकोगी, लेकिन सारा जॉब करने की क्या जरूरत है? इस घर में सब कुछ तो है ना तुम्हारे लिए। उमेर, जॉब सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि इंसान को पैसे चाहिए हो, और जॉब तो एक दूसरी बात है। हम दोनों आपस में बात नहीं करते, अगर हम कम्युनिकेट नहीं करें तो ये रिलेशनशिप है किस बात का? You're right, and I'm so sorry. आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमें हर प्रॉब्लम को मिलके बैठ के बात करके सॉल्व करना चाहिए, और हम ऐसा ही करेंगे। तुम बस एक बार मुझे ऑफिस ज्वाइन करने दो ना, मुझे काम को समझने दो, फिर क्या पता तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में जॉब कर रही हो। इस केस में तो डैड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना। बस तुम थोड़ा सब्र करो और जिद मत करो। जिद तो मैंने सारी जिंदगी नहीं की हूं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जहां मैं गलत हूँ वहां तुम मुझे समझा देना, और जहां मैं सही हूँ वहां तुम मेरी बात मान लेना। That's it. You're right. चाय मैंने बनाई थी। I knew it. चलो मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। बाय बाय।